बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल आरवत में। मैं प्रियंक शुक्ला एक बार फिर आपके लिए लेके आ गया हूँ एक अमेजिंग वीडियो। तो आज हम जानेंगे कि कोलैबकैड सॉफ्टवेयर है क्या, आखिर ये किस यूज़ में आता है और कैसे हम इसे डाउनलोड कर सकते हैं, कैसे अपने कंप्यूटर रन कर सकते हैं। ये सॉफ्टवेयर किसी भी विंडो में रन हो जाते हैं, इसकी बहुत अच्छी बात ये है। विंडो 7 हो आपके पास, विंडो 10 हो, जो भी विंडो आपके पास हो, लिनक्स हो, विंडोज़ हो, जो भी चाहें उसमें आप डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउज़र ओपन करना होगा, उसमें सर्च करना होगा कोलैबकैड। जब आप यहाँ पे कोलैबकैड टाइप करेंगे और सर्च करेंगे, मैं 32-bit विंडो 7 डाउनलोड कर रहा हूँ। अगर आपकी विंडो 10 हो तो आप विंडो 10 64-bit पर क्लिक कर सकते हैं और रिक्वायरमेंट देख लीजिएगा कौन सा रिक्वायरमेंट है। और डाउनलोड पर हम जब क्लिक करेंगे कोलैबकैड, कुछ थोड़ा सा टाइम लेता है, बाकी ये देखिए आप ओपन हो गया, जल्दी ओपन हो गया। ये जो है ये कनेक्टेड है NIC और नीति आयोग से। और तो यहाँ पर सबसे पहले आपको रजिस्टर्ड करना होगा अपने आप को, फिर आपको अपनी प्रोफाइल अपडेट करनी होगी और फिर आपको लॉगिन करना होगा, फिर आप डाउनलोड कर सकते हैं इसे। यहाँ पर आपको थोड़ा डिटेल भरनी पड़ेगी अपनी, जैसे ईमेल हो गया, आपका नाम हो गया, आपका जो भी पासवर्ड आप बनाना चाहते हैं, और यहाँ पर कोड दिया रहता है उसे आपको फिल करना होगा, जिससे आप इस साइट पर रजिस्टर्ड हो जाएंगे। आप इसे ऑनलाइन भी वर्क कर सकते हैं ब्राउज़र के ज़रिए, उसमें आप डिज़ाइन अपलोड कर सकते हैं, पब्लिश कर सकते हैं अपने डिज़ाइन, वहाँ से डिज़ाइन निकाल सकते हैं और अपने कंप्यूटर में डाल सकते हैं, 3D प्रिंटर में डाल के उसे प्रिंट भी कर सकते हैं। तो ये सॉफ्टवेयर बहुत सारे कामों में काम आता है। यहाँ पर मैंने पहले ही रजिस्टर्ड कर रखा है तो मुझे सिर्फ लॉगिन की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, अगर आप इन्हें फॉलो करते तो आप सेफली इसे इंस्टॉल कर सकते हैं अपने विंडोज़ में और अदर वेरियस जो भी आपके पास हो, विंडो 7, विंडो 8, विंडो 8 एंड विंडो 10। नाउ आई फिल द कोड एंड माय आईडी इज़ लॉग इन ऑन दिस साइट। मैंने पहली आईडी बना के रखी थी तो मुझे रजिस्टर नहीं करना पड़ा, और मैं यहाँ कोड डालूंगा और फिर जब लॉगिन पे क्लिक करूंगा तो मेरी आईडी लॉगिन हो जाएगी इसमें सिंपली। यहाँ पे देख सकते हो इस टाइप का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हैं, अपलोड के ऑप्शन हैं और अदर हैं। मेरी प्रोफाइल पहले से अपडेट है तो आप मेरे को प्रोफाइल अपडेट करने की ज़रूरत है नहीं, आप ज़रूर कर लीजिएगा क्योंकि आप पहली बार रजिस्टर करेंगे। तो देख सकते हैं मैं डाउनलोड पर क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पर बहुत सारे वर्जन हैं, जैसे CBSE बच्चों के लिए CBSE वर्जन है, नॉर्मल अगर आप कुछ नहीं करते हैं CBSE स्टूडेंट भी नहीं है तो आप कोलैबकैड डाउनलोड कर सकते हैं 3D मॉडलिंग के लिए, पर मैं अटल लैब का स्टूडेंट हूँ तो मैं अटल वर्जन इसको डाउनलोड करूँगा। सारे वर्जन सेम ही रहते हैं, कुछ डिफरेंट नहीं रहता, सबका इंटरफेस सेम ही रहता है, पर वो ऐसे अलग अलग दे दिए गए हैं कि जैसा आपको, मतलब अगर आप CBSE स्टूडेंट तो थोड़ा सा चेंज रहता है, बाकी पूरा सेम वर्क करता है, कोई भी परेशानी आपको नहीं जाने वाली। मैंने यहाँ पे मैं नो पे क्लिक करूँगा क्योंकि मैंने पहले से ही इसे डाउनलोड करके रखा है। अगर आप यस पे क्लिक करेंगे तो डाउनलोड स्टार्टिंग हो जाएगी, और मैंने पहले से रन भी कर रखा है पर मैं आपको क्लिक करके दिखा देता हूँ। जब आप इसे डाउनलोड करेंगे तो बेसिकली जिप फाइल में आता है, आपको जिप फाइल ओपन करनी होती है, फिर उसके अंदर जाना होता है और जैसे ही आप उसे ओपन करेंगे तो सेटअप का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक कर दीजिएगा। देख सकते हैं मैंने सेटअप पे क्लिक कर रहा हूँ, सेटअप पे क्लिक कर दे रन का ऑप्शन आएगा आपके पास, उस पर आपको क्लिक कर देना, ये सिंपली इंस्टॉल हो जाएगा आपके कंप्यूटर में। मेरी विंडो थोड़ा लेट चलती है क्योंकि पुरानी हो गई है तो इसलिए थोड़ा लेट वर्क करती है, नॉट माइंड। एंड अगर आपका विंडो 10 है तो ये बहुत अच्छा वर्क करेगा, और विंडो 7 भी है, थोड़ा नया वर्जन है तो चल जाएगा। मेरा थोड़ा ज़्यादा पुराना वर्जन है तो थोड़ा स्लो चल रहा है, बाकी हाँ इसमें भी काम करता है, डरने की ज़रूरत नहीं है, सारे विंडोज़ में काम करता है। ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही अच्छा मेड इन इंडिया ऐप है, सॉफ्टवेयर है जिस पे आप मतलब कोडिंग से भी डिज़ाइन बना सकते हैं, और या फिर आप चाहें तो इसमें जो जावा वगैरह आपने अगर सीखी हो तो कोड करके इसमें बना लीजिए, या फिर आप कुछ नहीं सीखे तो आप नॉर्मली इसे बना सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कोडिंग ही आनी चाहिए तभी आप इसमें डिज़ाइन कर सकते हैं। मेरी जो अगली वीडियो आएगी उसमें मैं आपको बताऊंगा कि कॉफ़ी कप कैसे डिज़ाइन किया जाता है 3D में, वो मैं आपको बता दूंगा। रन पर क्लिक कर दीजिए, आपका सॉफ्टवेयर रन हो जाएगा। तो देख सकते हैं मैंने पहले से ही इसको
मतलब इंस्टॉल करके रखा हुआ था, आपको दिखाने के लिए मैंने रन का ऑप्शन लाया, तो आप रन पे दबा दीजिएगा इंस्टॉल हो जाएगा। तो सबसे पहले एक विंडो खुलेगी ब्लैक टाइप की, इसमें थोड़ी सी प्रोसेस होती है, थोड़ा ये टाइम लेती है। दोस्तों हमारी अगली वीडियो देखना बिल्कुल ना भूलें, मैं उसमें बताऊंगा कि आप सॉफ्टवेयर को कैसे बिल्कुल मॉडल बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, और एक आपको कॉफ़ी कप बना के भी दिखाऊंगा। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने का फ़ायदा ये है दोस्तों कि आपको नए नए अपडेट मिलते रहेंगे, और ऐसे ही मैं अमेजिंग सॉफ्टवेयर के बारे में आपको बताता रहूँगा, आपके लिए नई नई वीडियो लाता रहूँगा। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी। आई होप दिस वीडियो इज़ यूजफुल फॉर यू। तो जैसे ही आप ओपन करेंगे तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन हैं, जैसे ओपन, सेव एंड एक्सपोर्ट। यहाँ पे आप ग्रुप में भी काम कर सकते, जैसे आप सभी लोग अभी लॉकडाउन चल रहा है तो आप सब इसमें ग्रुप में भी वर्क कर सकते हैं, जैसे आप चाहें कि अलग अलग डिवाइस से एक विंडो पर काम करें वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन आएगा असेंबली और पार्ट डिज़ाइन। तो असेंबली बेसिकली जब यूज़ किया जाता है जब हम बहुत सारे पार्ट को कनेक्ट करना चाहते हैं असेंबली में, या फिर आप सिंगल बनाना चाहते हैं तो पार्ट डिज़ाइन चुन लीजिए। यूनिट आपको इंच जो आपको लेनी हो, जैसा अभी साइज़ का आप बनाना चाहें। और यहाँ पे मैं चूज़ कर लेता हूँ SI। दूसरा जो ऑप्शन है वो अमेरिकन पर्सन के लिए होता है, क्योंकि वो वही ऑप्शन यूज़ करते हैं, हम ऐसा ही यूज़ करते हैं और बाकी लोग भी ऐसा ही यूज़ करते हैं, हम ऐसा ही चुन लेते हैं। यहाँ पर पार्ट का नाम जो भी आप डालना चाहें, एज यू विश। जब हम इसे ओपन करेंगे थोड़ा टाइम देख सकते हैं, ये ओपन हो चुका है। यहाँ पे कुछ इस टाइप की स्क्रीन आपके डेस्कटॉप पर आएगी। यहाँ पे बहुत सारे व्यू के ऑप्शन हुए, लेफ्ट राइट व्यू, जिस भी व्यू में आप देख के इसे बनाना चाहें उस व्यू में आप इसको देख सकते हैं। उसके साथ साथ आपको यहाँ बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, लेयर, 3D प्रिंटिंग वगैरह। यहाँ पे आप सेव कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं। एक्सपोर्ट आप इसे 5-6 प्रकार की चीज़ें होती है, जैसे STL फाइल होती है, 3D प्रिंटर में जो फाइल डलती हैं जो 3D प्रिंटिंग होती है उसे STL फाइल बोलते हैं। तो STL फाइल में भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर नॉर्मल जो आप ऐसा सेव करना चाहें पार्ट के रूप में, या किसी साइड में अपलोड करना चाहें, दोस्तों के साथ शेयर करना चाहें, तो आप सेव एस करके और नाम डाल के सेव कर सकते हैं। और बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। जैसे जैसे आप इसको ओपन करेंगे और इसके ऑप्शंस को समझेंगे, तो जैसे ही आप इसमें प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे तो ये आपको सिंपली बनने लगेगा। ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सॉफ्टवेयर नहीं है, इसलिए मैं भी इसे यूज़ करता हूँ। बाकी जो सॉफ्टवेयर ना थोड़े से समझने में थोड़ा टाइम लगता है, इसमें थोड़ा कम टाइम लगेगा आपको और इसे आप इजीली समझ लेंगे। अगर आपको और अच्छे से समझना हो तो आप मेरी जो अगली वीडियो आएगी, मैंने एक कॉफ़ी कप बनाया हुआ है इसी सॉफ्टवेयर को यूज़ करके, तो मैं जब उस वीडियो को डालूँगा तो आप उसे ज़रूर देख लीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको ऐसे ही और अमेजिंग जो सॉफ्टवेयर होते हैं उसके बारे में आपको पता चलता रहे। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं आपको, जैसे सॉलिड्स, बेसिक्स, आर्क, पॉइंट, जैसे भी आप डिज़ाइन करना चाहें, 3D में करना चाहें, 2D में करना चाहें। देखिए मैंने यहाँ का कलर चेंज कर दिया, जो बैकग्राउंड का कलर होता है उसे मैंने चेंज कर दिया। सिंपली मैंने एक सर्कल ले लेता हूँ, कर्व ले लेता हूँ, मैंने यहाँ पे उसको क्लिक कर दिया है। कुछ इसकी 50 mm मैंने रेडियस ले लिए। उसके बाद मैं स्लेब पे सॉलिड में जाके स्लेब पे क्लिक करके इस पर क्लिक करें एंटर दबा के यहाँ पे उसकी थिकनेस चूज़ कर ली है मैंने। और थिकनेस जैसे एंटर की मैंने, देख सकते हैं जब इसे हम 3D व्यू में देखेंगे तो एक कुछ सिलेंडर टाइप का बन चुका है, लाइक अ कंटेनर। इसमें आप चाहें तो होल भी कर सकते हैं, या फिर जो भी चीज़ आप इसमें ऐड करना चाहें वो ऐड कर सकते हैं। साइड में देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें भी दी हुई हैं, पहले से इसमें आइटम दिए, जो अगर आप इसमें ओपन करना चाहें तो। दोस्तों आई होप कि आपको ये सॉफ्टवेयर पसंद आया होगा, और अगर आप सीखना चाहते हैं कैसे यूज़ करना है तो हमारी अगली वीडियो ज़रूर देखिएगा। और मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस टाइप के मॉडल्स इससे बनते हैं। तो ये मैंने पहले से बना के रखा हुआ था, देख सकते हैं एक कप टाइप का मैंने बनाया हुआ है, कंटेनर कप टाइप का। और इसमें अभी ये 3D व्यू में, जब इसमें हम शेड में जाके और डिस्प्ले पे क्लिक करेंगे और इस पर क्लिक करके एंटर दबा देंगे तो देख सकते हैं इसमें कलर हो चुका है, स्किन कलर मैंने इस पर कर दिया है, तो आप इसे देख सकते हैं। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा,
और मैं आपके लिए ऐसी अमेजिंग वीडियो लाता रहूँगा और कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर के बारे में भी आपको बताऊँगा जिससे आप प्रोग्रामिंग सीख सकते हैं, विजुअल प्रोग्रामिंग सीख सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।